दोस्तों नमस्कार। अब सुबह सुबह चल रहे हैं जी। सुबह बबलू भाई तो दोस्तों घूम का आ गए थे खेत में, बच्चे भी चले गए स्कूल, चल पड़े बच्चों के। और दोस्तों अब जो है बबलू भाई का कई दिन से कमर में चनकवा हो रहा है, तो इतने ही आप वीडियो देखोगे इतने तो ठीक हो जाएगा। जो है वहाँ दादू पोते बैठे हैं आराम से, मम्मी और मैं लग रहे हैं जी काम में। अब चल रहे हैं दोस्तों, ये सिलेंडर भी लिए जाने हैं, ये हाँ फिर धो धो कर रखे जाएंगे। और दोस्तों अब लेकर चल रहे हैं फटाफट, मैसी को स्टार्ट कर रहे हैं जी। चाय भी आ गई है, पानी की बोतल। दोस्तों बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हो गई थी जी घर में, तो अब एकदम से चल रहे हैं जो अपने धागे वाग्य से हैं बोझ बांधने का, क्योंकि दोस्तों मेहनत होगी। बारिश का दोस्तों दो तीन दिन से घटा नहीं हो, मतलब धूप नहीं निकल रही, बिल्कुल गन्ना ख़राब हो सकता है जी, क्योंकि धूप ना निकलना गन्ने के लिए बहुत ख़तरनाक बात है, इससे सबसे ज़्यादा बीमारी आती है। चलो जी खोलो जी टिंग। दोस्तों पहले तो झटके चक में घूमना है जी, पहले बुग्गी खाली करेंगे। फोर्ड पर तो सामान लगता ही जा रहा है। ये तो दोस्तों ऐसे ही होता है, देखो घर में जब काम चलता रहे मिस्त्री तो हमारे हटते ही नहीं, कभी कभी किसी चीज़ के लगे रहें, कभी किसी चीज़ के लगे रहें। तो दोस्तों यही है, अगर आपके पूर्वज या आपके बड़े बुजुर्ग बाबा दादी या आपके बड़े आपको काम बना के देगी ना, डेली सुबह उठते ही उनकी फ़ोटो का आगे जोत जलाया करो, हाथ जोड़ा करो, और बहुत ही मतलब अपने काम को ऐसा करो कि जैसा आप धरती पर आप अनोखे हो, आप जैसा कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों हम बना रहे हैं अपने पिताजी के साथ में काम, हमें पता काम कैसे बने हैं। एक कप सामान देखो कैसे, जो भी चीज़ जहाँ से मिल जाए, जो चीज़ हमारी पुरानी है कि जो मतलब हमारे, देखो आज वो स्प्रे मशीन भी हमारे है जो कभी हाईमेटिक कंपनी की शुगर मिल में सबसे पहले आई थी। देखो ये रखी टांड पे, इसमें दोस्तों खाली में इतना वजन है जितना पूरी टंकी में भर के रख रहे हैं, इतने मोटे मोटे इसमें लोहे के वे लग रहे हैं, एक दिन आपको दिखाएंगे। और वे देखो वहाँ लालटेन और लैंप भी रखे आज तक, और डीबीए भी है जो पुराने जमाने की थी वे भी रखी होंगी कहीं ना कहीं, तो वे रखे देखो लालटेन और वे। तो दोस्तों ये पिताजी ने मम्मी जी ने कहा था कि भाई जैसे जंगल में है और वहाँ बनेगा घर घेर बनेगा तो वहाँ के लिए रख ले करेंगे, तो डीजल से फिर चला ले करेंगे इन्हें, भाई मट्टी तेल तो मिलना बंद हो गया। तो दोस्तों यही है, अन्य तो आपके पास में तो अगर पुरानी कोठी है या पुराने सामान है तो दोस्तों अपनों को बहुत संभाल कर रखो, आने वाले टाइम में बहुत वैल्यू है इनकी। और सबसे भी ज़्यादा ये नाम है कि पुरानी चीज़ आपके पास है। ये ऊपर वाले सब ठीक ठाक, वाह क्या शानदार आवाज़ है मैशी की। चलो जी खोलो खोलो। स्टार्ट हो जा। ओह बिल्कुल नाम खराब ही कर दिए, सुन नहीं रहा बिल्कुल भी। चढ़ झा खाई पे, सूद नहीं दिखाई दे रही बिल्कुल भी, कहां हो रही सूद। ओह नीचा पड़ जा। ओहो 0-18 चढ़ जा मैं पूरा। दोस्तों अब इसमें एक बार थोड़ा सा मौका लगते पावर वीटर घुमाएंगे जिसमें। अच्छा बिल्कुल हद हो रही, सुन नहीं रहा कोई भी, सारे बागी हो रहे बागी बिल्ला। आह देखो जी हरियाली, ये देखो जी बारिश के परिणाम, दो तीन ही बारिश हुई दोस्तों हमारे यहाँ। टल्ले इसका भी धोरा बांध दिया बाबा ने, बहुत बढ़िया करा, ये तो माजी आ गए। दोस्तों न्यार कटेगा ट्वेल के सामने से, वो थोड़ा अलझा पलझा सा पड़ा हुआ, वहाँ से लाऊंगे जी साफ करके। पहले सबसे पहले जो है इसे पल्ली को और इसे बुग्गी को साफ करते हैं जी कपड़े से बढ़िया तरह, क्यों क्योंकि बारिश आने को हो रही है, फजीता हो जाएगा, न्यार तो कटेगा बाद में, पहले होगी बुग्गी साफ। दोस्तों वहाँ से बुग्गी साफ करके यहाँ आ गए हैं, मैं आपको गन्ना दिखाना चाह रहा था जी, ये नई वैरायटी है जी, फिर इसमें ये ही वैरायटी है धोरे पे है जी। देखो ये करेले की बेल लग रही है दोस्तों, हमारे पे तो ये रस्सी पे भी नहीं बांधी गई। दोस्तों आज मुझे नाली साफ करनी थी, अगर मुझे पापा जी के साथ ना जाना होता और बबलू भाई का चन का ना होता तो दोस्तों मैं ये नाली साफ कर देता, क्योंकि ये ऊपर से हल्के हल्के पेड्डे उतारने हैं, क्योंकि दोस्तों अब ये गन्ना बंधाई आ गया। देखो अब ये नुकसान देने लगा नीचे, क्योंकि अब धूप निकलेगी नहीं, ये सारा गन्ना वहां से वहां तक का जो भी 10-15 क्विंटल 20 क्विंटल गन्ना है सारा सूख जाएगा। तो दोस्तों इसे ऐसे ही करना है, देखो ये अब भी इसमें 0238 वैरायटी सबसे ऊंची है,
जो कि जेड पट्टी बुआई करी थी, बाद में बीज खत्म हो गया था। बाकी दोस्तों ये कलम लगा दी थी, देखो सारी कलम हो गई है, नीचे नीचे खूड पूरे हो गए। और मैं आपको यहाँ ये दिखाना चाह रहा था, देखो ये जो यहाँ सबसे ऊंचाई पे आंख लग रही थी, ये सूख रही थी पूरे साल, ग्रो देखो इसने कितना करा। ये देखो अब तो इनकी पेड्डी भी चल गई, वो बजरंग बली वाला भी खेत चल गया, जय बजरंग बली जय हो नीम बाबा। देखो इन्होंने कितने बड़े पौधे छोड़ दिए थे, इन्हें टक्कर देगी दोस्तों आपके झटके में ऊपर निकल जाएंगे। और ये देखो जी ये तीसरी बार की पेड्डी पैटोटैटर, ये देखो जी ये देखो कितना ग्रो कर गया, इधर ये मिट्टी की ढांग है और उधर खाली जगह मिल रही है, तो देखो कितना ग्रो कर रहा। तो यहाँ तो नहीं लगाएंगे दोस्तों, नहीं तो ये मिड्डे हो जाएंगे हमारे खराब, बस वहाँ तक ही एंड कर देंगे, क्योंकि बबलू भाई कह रहे थे नीचे लगा दो। तो दोस्तों अभी इसमें जो है अगले बरस यहाँ से लगा देंगे नीचे नीचे, तो ये जो ढांग है ये कटने से बच जाएगी। और बाकी गन्ना देखो जी ये पैटोटैट का, जो ये बाद में नहीं लगाया, उन्हें भी खूब तोड़ा। लेकिन दोस्तों मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसा पशु खाते हैं तो उसका भी ऊपर वाला कुछ ना कुछ गुण देता है। अब ये देखो जी इधर से ये पेड़ है वो वहाँ सतूत हो गया, उधर वे हो गया, देखो कितना झुरमुट है। लेकिन वो पैदावार हमारे खेत में होगी। अब गन्ना देखो, मैं जो है खेत से 5-6 फीट ऊंचाई पर खड़ा हूँ और मेरी सामने आ रहा जी गन्ना, ये देखो। और इधर देखो दोस्तों वहाँ से आप पहुँचे हैं जी। थोड़ा सा ये भी काटा है दोस्तों, चक्रोड़ में गिर रहा था, दो बोझ पीछे से लाए जी, एक बोझ यहाँ से काट लिया। और हरियाली देखो, और दोस्तों तूफान देखो कितना तगड़ा आ गया, अंधेरा हो गया जी बहुत तगड़ा। अब दोस्तों कल ही से काटेंगे, कल यहाँ से काटेंगे, फिर जो है 2 दिन ही अंदर से कटेगा, 2 दिन यहाँ से कटेगा, 2 दिन वहाँ से कटेगा। तो ये चीज़ है जी, धीरे धीरे हो जाएगा। दोस्तों बहुत तेज आंधी तूफान आ गया, लेकिन ये बढ़िया है जी। अब कई दिन से दोस्तों धूप नहीं आ रही थी, घटा हो रही थी बहुत ज़्यादा, और कुछ काम भी नहीं हो पा रहा था कहीं भी खेतों वेतों में। तो दोस्तों अब ये बारिश ज़रूरी थी आज की, बहुत बढ़िया रहा जी, स्टार्ट कर रहे हैं। ओहो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चल रहे हैं फटाफट। और दोस्तों आप ये निगाह मार लेना, आप देखो ये जो है मिंदर ने सारा नेपियर लगा दिया है जी सड़क तक यहाँ तक। और सामने निगाह मार लेना जी, गेहूं का गन्ना है इंसान के बराबर हो गया जी टिंकू भाई घर। बारिश आ गई है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। दोस्तों ये कोने वाला फिर काटना पड़ेगा, देखो कितना बड़ा हो गया, बारिश में दोस्तों बहुत बढ़ता है। और ये देखो जी टिंकू भाई का उत्तम विधि का 30, एकदम से इन्होंने सारे चक में हाथ निकलवा दिया जी, और सारे चक में ही मतलब बहुत बढ़िया। और ये देखो जी इसमें क्या रंग आया है इसमें बारिश आते ही। तो दोस्तों बेशक घास की स्प्रे वाला और डोज वाला गन्ना लगेगा आपको कि गन्ना हो रहा है, लेकिन ये रिजल्ट आपको हाथ निकालने से भी मिलेंगे। और बारिश देखो जी कितनी शानदार, ओहो बहुत ही बेहतरीन बारिश आई है जी, आहा झरना सा चल गया भाई, कई दिन हो गए थे गर्मी झेल तो बहुत ही शानदार। आ जाओ डॉक्टर साहब, बहुत ही शानदार बारिश दोस्तों, ये बारिश सबसे ज़्यादा लगती है फसल को। टैल लेने टिंग टोंग, अब मौज आ गई किसानों की, तो अब क्या गर्मी इतनी झेल ली पर मौज आ गई। तो दोस्तों किसानों का तो यही हज है, किसानों का तो यही तीरथ है, किसानों का तो जी यही सब है, यही अरदास है जी, यही भक्ति है, यही सब कुछ है जी किसानों का। तो कि इतनी गर्मी झेलने के बाद में अगर ये बारिश मिलती है और फसल लहला जाती है, तो बस यही नुमानो किसानों ने तो कुंभ कर लिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। टिंग टाउन। तो दोस्तों घर तो पहुंच गए हैं जी, बारिश पड़ रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी पूरे में ही बारिश ही हो रही है, क्योंकि कई दिन बारिश का इंतज़ार करके मम्मी ने यहाँ धोया होगा। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी, एक बार फटाक से बिजली आ रही है, चारा काट देते हैं, फिर दोस्तों पापा को मना कर देखते हैं अगर ना गए तो, क्योंकि दोस्तों आज जाने का प्रोग्राम था पापा का बहुत ज़रूरी, कि पापा पर फ़ोन आ रहा था किसी का। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चूली बूली, क्योंकि दोस्तों चक्कर यू है हम कभी भी अपने खेतों में बेफिक्री से काम नहीं कर पाए, जब से हमने वो संभाला कुछ ना कुछ चुर्रैट पीछे हमारे लगी रहे, तो ये कभी ऐसा हुआ नहीं कि सुबह उठ के हम बिल्कुल निफराम अपना चले गए हों, खेत में जाकर काम कर लिया, निफराम आकर घर लौट गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों वो भी है, क्या पता ऊपर वाले की मेहर इसीलिए होती हो कि भाई इतना काम है करने को, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अरेंज हो जाता हो। देखो इन दिनों में दोस्तों ये बिल्कुल गन्ने की तरह लगता है, देखना जैसा गन्ना आ रहा हो कट के, बहुत से भाई मुझे कह दें भाई पेड्डी को ला रहा तू काट के, तो यही है। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चुली बुली।
दोस्तों नमस्कार। बात बनी नहीं दोस्तों, पापा पे फ़ोन आ रहे थे उनके, पापा के दोस्त हैं जी, नेताजी हैं जी हमारे यहाँ के, चौधरी मनिंदर पाल सिंह जी, पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे जी वो, उन्होंने एमपी एमएलए के चुनाव भी लड़े, काफ़ी अच्छे इंसान हैं जी, मददगार हैं काफ़ी। तो दोस्तों यही है, जब भी कोई बात होती है तो आपके क्षेत्रीय ही, जो आपके भाई बंद हैं, जो आपके क्षेत्रीय नेता हैं या कोई भी अच्छे पावरफुल लोग हैं, तो उन्हीं के संपर्क में आप जाते हो तभी आपके काम हो पाते हैं। और मनिंदर अंकल जी ऐसे हैं, उन्होंने तो ना जाने कितने काम जो हैं हमारे भी और हमारे जानकारों के करवा दिए होंगे। तो दोस्तों बारिश अब बंद हो रही है, चल रहे हैं जी फटाफट, कड़ी स्टार्ट दोस्तों, कड़ी चावल खाए थे, नींद आ रही थी बहुत तेज, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं, चल रहे हैं, स्टार्ट कर लेते हैं जी गाड़ी को। दोस्तों बैठ लिए हैं जी गाड़ी में, गड्डी में बैठ लिए हैं जी, स्टार्ट कर लेते हैं। ओहो दोस्तों 531 किलोमीटर का है जी, 65,521 किलोमीटर चल गई है। ओहो मम्मी भड़का दी पापा ने, गाली गलौच हो रही है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में किस तरह की गाली गलौच हो रही है ये किंग टॉन्ग। पेटी खींच लेते हैं, बैठो जी बैठो दोस्तों, आना जाना ही है, फिर आके मैं अपने खेत में घास का काम करूंगा, सब सफाई करेंगे यहाँ, टिंग टोंग चलते हैं जी। दोस्तों दोराला पार करके अभी यहाँ आगे सकुत्ती गया, पता नहीं से मैं डायमंड में हो रहा जाना मंगलम में हो रहा, ये यहाँ कुसुम पब्लिक स्कूल के सामने है जी यहाँ। तो यहाँ देखो जी, पापा जी के साथ चलूंगा मैं अंदर गाड़ी खड़ी करके। दोस्तों यहाँ प्रोग्राम चल रहा है मंगलम ऑडिटोरियम है, देखो जी बहुत बढ़िया, बड़े शानदार, जमीन का कितना बढ़िया यूज है जी हो रहा, ये देखो कितने जोर का काम हो रहा। बहुत सम्मान आपने दिया, बहुत प्यार आपने दिया, आपका मान सम्मान हमें क्या करते हैं, कोई कार्यकर्ता ने सोचे कितनी कमजोरी आप पहले ये था कि फोन कर देते। दोस्तों गोष्ठी अब ख़त्म हो गई है, मीटिंग अब यहाँ तो है दोस्तों, साइड में खाना चल गया है, सांसद साहब जो हैं पूर्व सांसद साहब वो भी अब जो है खाना वाना खाएंगे। दोस्तों हम चल रहे हैं क्योंकि हम तो दोस्तों अपना फिट होकर आए थे, और इससे पहले यहाँ गाड़ियों की ज़्यादा भगदड़ मचे, आराम से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं जी, बाहर आ लिए हैं, इससे पहले गाड़ियों का मामला चलेगा जी यहाँ से, वहाँ पर हम निकल रहे हैं जी लेकर। तो दोस्तों ये कुछ काम ऐसे हैं जो बबलू भाई कर लेते हैं बड़े आराम से, फिर जो है मुझे दिक्कत नहीं आती, मैं अपना काम आपको पता ही है, अपने घास वास खोद लेता हूँ खेतों में, और अपना ठल्ली ठल्ली रहता हूँ। तो यही है दोस्तों अपना, तो आपको पता ही है कि अपना तो जो है कर्म ही पूजा है, तो ये चीज़ है जी दोस्तों। यहाँ से सब चले हैं, इससे पहले हम भी जो है निकल लिए हैं, चलते हैं जी फटाफट, बैठो जी दोस्तों, चल पड़े हैं। अच्छा भाई अच्छा, ओके रोमेश, रोमेश भाई अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे जी, चल रहे हैं फटाफट। दोस्तों घर पहुंच लिए हैं जी फटाफट, अब बच्चों का भी टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। दोस्तों इसे खड़ी करते ही एक घूट पानी भी दोस्तों पिया नहीं, आके ही पियेंगे, जूते निकाल के चप्पल पहन लिए दोस्तों, चल रहे हैं बच्चों को लेने।